नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप सभी जो 12th और 10th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आज मैं बताऊंगा कि आप अपना यूपी बोर्ड का जो रोल नंबर है वो कैसे पता कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों लॉकडाउन के कारण आपका जो एडमिट कार्ड है वो भी नहीं आया, एग्ज़ाम भी आपके नहीं हुए और अब आपका रिज़ल्ट जो है वो एक या दो दिन में आने वाला है। पहले 25 तारीख दी गई थी लेकिन 25 तारीख को नहीं आया और अब आने वाला है लगभग 30 या फिर अगस्त के पहले सप्ताह में आपका जो रिज़ल्ट है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि CBSE का रिज़ल्ट जो है आज आ गया है और 99% बच्चे जो है उसमें पास हुए हैं। तो अब मैं आपको बताऊं कि आप अपना रोल नंबर कैसे डाउनलोड यानी कि देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि आप अपना रिज़ल्ट जो है वो बिना रोल नंबर के नहीं चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में यही बताने वाला हूं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अगर आप वीडियो को ज़रा सा भी स्किप करेंगे तो आपको पूरा प्रोसेस समझ में नहीं आएगा और आप अपना रोल नंबर फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि अन्य दोस्तों तक भी महत्वपूर्ण जानकारी पहुँच जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सबसे पहले अपना कोई भी गूगल ब्राउज़र ओपन कर लेना है जहाँ पर आप गूगल चला सकते हैं, लैपटॉप हो, फ़ोन हो, किसी पर भी आप ओपन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर एक सिंपल सी लाइन लिखनी है, UPMSP लिखने के बाद आपको सर्च कर देना है और यहाँ पर देखिए आपके सामने UPMSP आ गया है और यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे उत्तर प्रदेश माध्यमिक, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एक वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज, यानी कि यूपी बोर्ड उत्तर प्रदेश, ऐसा कुछ यहाँ पर लिखा गया है, यूपी बोर्ड का ये वेबसाइट है। तो अब इस पर आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हाई स्कूल, यहाँ पर आपको जो भी आपका हाई स्कूल है या फिर इंटरमीडिएट है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। और हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट से मान लीजिए मुझे हाई स्कूल का रिज़ल्ट देखना है यानी कि रोल नंबर देखना है तो उस पर यहाँ पर हाई स्कूल लिखना है और उसके बाद यहाँ पर 2020 सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर जनपद आपको अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट कर लेना है, आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए मैं अमरोहा से हूँ, झांसी से हूँ, कानपुर से हूँ, कहीं से भी आप हो सकते हैं दोस्तों, आपको वो सेलेक्ट कर लेना है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर मुजफ्फ़रनगर की बात करूँ तो यहाँ पर विद्यालय का आपको नाम सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको अपना कॉलेज सेलेक्ट करना है यानी कि जिस इंटर कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ चुके हैं यानी कि 10th क्लास आपने जिस भी कॉलेज से की है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर देखिए बहुत से कॉलेज जो हैं वो आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे तो यहाँ पर आपको अपना कॉलेज सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जो नाम है, कैंडिडेट नेम जो यानी कि स्टूडेंट्स का नेम है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है और उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ जाना है और यहाँ पर सर्च बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे हमने नेम को करेक्ट किया तो यहाँ पर जितने भी शिवम नाम के स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। अब आप ये बोलेंगे कि हम इसमें अपना रोल नंबर कैसे फाइंड करेंगे, तो दोस्तों इसमें आपको कैसे करना है वो मैं आपको बता दूँ। देखिए यहाँ पहले कॉलम में आप देख पा रहे होंगे रोल नंबर, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद कैंडिडेट नेम, उसके बाद मदर नेम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दी गई है। तो आपको अपनी क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपना नाम कंफर्म करना है, जब आपने अपना नाम डाला है तो नाम तो आपका ही आएगा, लेकिन उसके बाद आपको अपनी मदर नेम देखना है। कुछ बच्चों का मदर नेम सेम हो सकता है, कुछ बच्चों का फादर नेम सेम हो सकता है, लेकिन कुछ बच्चों का दोनों चीज़ सेम नहीं हो सकती और मान लीजिए दोनों सेम हो गए तो आपका डेट ऑफ बर्थ डिफरेंट रहेगा। तो सबसे पहले आपको अपनी मम्मी का नाम सर्च करना है यानी कि देखना है, उसके बाद पापा का मैच करना है, उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ मैच करनी है। अब मान लीजिए फर्स्ट नंबर पर ही हम बात करें तो यहाँ पर कैंडिडेट नेम शिवम, मम्मी का नाम यहाँ पर उनकी दिया गया है अर्चना और पिताजी का नाम उनके दिया गया है अनिल कुमार और उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 24/5/2004, इस प्रकार से यहाँ पर सभी की दी गई है। अगर आपका इसमें है तो ज़रूर होगा, क्योंकि आप अगर उस कॉलेज के स्टूडेंट हो तो आपका इसमें ज़रूर होगा, ये कॉलेज द्वारा प्रोवाइड कराया गया लिस्ट है। ये केवल शिवम नाम के कैंडिडेट है इतने मुजफ्फरनगर के DAV कॉलेज में। तो यहाँ पर आप अपना जो है वो देख सकते हैं और जो भी आपका मैच हो जाए, मान लीजिए आपका शिवम तीसरे नंबर का है, शिवम मुनेश तेजराम और आपकी डेट ऑफ बर्थ 10/7/2005, तो यहाँ से आप अपना जो रोल नंबर है वो सेलेक्ट कर सकते हैं पूरा। लेकिन उसमें आपको केवल 7 अंक डालने हैं और 7 अंक कौन से डालने हैं वो मैं आपको बताऊँ, ये जो 21 है ये कोड है दोस्तों,
रिज़ल्ट आने का, यानी कि 2021 में आपका रिज़ल्ट आएगा। तो ये 2021 कोड है, आपको 21 उसमें नहीं फिल करना है। आपको क्या करना है, 050501 आपको ये फिल करना है, यानी कि 7 अंक ही आपको लास्ट के 7 अंक अपने रिज़ल्ट की वेबसाइट पर जो है वो फीड कर रहे हैं। और उसके बाद सर्च बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका रिज़ल्ट जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन रिज़ल्ट डाउनलोड आपका तब होगा जब रिज़ल्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। रिज़ल्ट डिक्लेयर होते ही आपका रिज़ल्ट इस रोल नंबर से फाइंड हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ठीक इसी प्रकार आप इंटरमीडिएट का भी जो है वो सर्च कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे दोस्तों आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।